एवरीवन, आई एम स्मृति पंचाल, आई एम मिसेस यूनिवर्सल. एंड मेरी ये जर्नी जो स्टार्ट हुई एक सडन इंसिडेंट था, मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था. 3 साल पहले मैंने जब भी मिसेस भारत आइकॉन किया था, वो भारत आइकॉन में जीत गई. उसके बाद मिसेस इंडिया अर्थ जीत गई. उसके बाद जो भी मैंने पेजेंट किए वो हर पेजेंट मैंने जीता हुआ है. उसके बाद मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल बनी, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड बनी, और हाल ही में मुझे रेलिना मिसेस यूनिवर्स का किताब मिला. एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड 9. तो ये जो मेरा जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है. थोड़ा सा जुरासिक पार्क के जैसा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसमें बैरिकेड्स भी आए हुए हैं. बट आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ आई गॉट द मिसेस यूनिवर्स अवार्ड एंड आई एम हैप्पी. सपोर्ट की बात करूँ तो पूरा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड का और मेरे लड़के का था. आई एम मैरिड एंड मेरा हस्बैंड और मेरा लड़का जो है, मेरा बच्चा जो है, वो मुझे हर बात में मुझे सपोर्ट करते हैं. मिसेस यूनिवर्स ये जो कॉम्पिटिशन्स थी, ये बॉलीविया साउथ अमेरिका में थी. एंड साउथ अमेरिका दे आर द लैटिन पीपल, एंड लैटिन पीपल उनका जो पूरा जो एक ट्रेडिशन रहता है, दे आर द ओपन माइंडेड. उनका रहन सहन जो रहता है वो बहुत ही मतलब अलग किस्म का रहता है. दे आर द ओपन, उनके कपड़े जो रहते हैं दे आर लाइक सेमी न्यूड टाइप के कपड़े रहते हैं उनके. और वहाँ पे मैं जब भी कॉम्पिटिशन्स के लिए गई थी और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो पहले मेरे मन में ये क्वेश्चंस आया कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो वहाँ की लेडीज़ है, इवन द कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, वहाँ की औरतें हैं, वो उनका ड्रेसिंग सेंस जो रहता है वो मोस्टली ओपन रहता है. तो मेरे ड्रेस उनके साथ मैच करेंगे कि नहीं, या मैं वहाँ पे कैसे टिक पाऊँगी, या वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डालना है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के लिए अभी मैं मैरिड हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे थोड़ा मन में मेरे आया था. सो दैट टाइम माई हस्बैंड एंड माई सन, उन्होंने दोनों ने मेरा ब्रेन वॉशिंग किया. उन्होंने बोला कि आप मम्मी आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डालो या कोई भी कॉस्ट्यूम्स डालो, अगर वो आप कॉस्ट्यूम्स कैरी करती हो तो वो कॉस्ट्यूम आपके ऊपर अच्छा दिखता है. अगर वो वल्गर नहीं दिखता है तो कोई भी कपड़े जो है वो आपके ऊपर अच्छे दिखते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे रहना है. इवन वहाँ पे मैं जब भी हम लोगों का स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स राउंड था और मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डाल के चल रही थी, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. क्योंकि आप जो भी कपड़े डालते हो वो कपड़े मायने नहीं रखते हैं, ये कपड़े आपके ऊपर कैसे दिखते हैं, ये आपको खूबसूरत बनाते हैं या आपको वल्गर दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और उसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. खाली कपड़े ही इंपॉर्टेंट नहीं रहते, आपका आउटर लुक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. आउटर लुक के साथ साथ आपकी इनर ब्यूटी कितनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. क्योंकि आप जब भी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो तो कॉम्पिटिशन में आपको खाली रैंप वॉक नहीं करना रहता है, आप ग्रैंड फिनाले में खाली रैंप वॉक करते हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े डाल के घूमते हो, लेकिन आप 6 दिन वहाँ पे जो निकालते हो ये 6 दिन आपको टास्क रहते हैं. तो अलग अलग टास्क आप किस तरह से पूरे करते हो, उसमें आपकी मेहनत कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका परफेक्शन कितना है, इसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और तभी आप बनते हो मिसेस यूनिवर्स. पहली तो जब भी मैं बॉलीविया गई थी तो सबसे बड़ा बैरिकेड मेरा ये था कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो है स्पेनिश, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं. तो वहाँ पे मोस्टली 95% पीपल जो है वो स्पेनिश में बात करते हैं. इवन वहाँ पे कंटेस्टेंट जो थे वो 95% कंटेस्टेंट स्पेनिश में बात करते थे. तो वो लैंग्वेज मुझे पहले तो सीखने में या समझने में थोड़ी तकलीफ हो गई. वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है वो अदर ग्रूमर्स और कोरियोग्राफर है वो इंग्लिश में बात करते थे, लेकिन आपको जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनके साथ में मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है. क्योंकि आप जितने उनके साथ मिक्स होते हो, उनके जो वैचारिक जो बातें रहती है वो उसको आप एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है.
तो फिर भी मैंने मेरे मोबाइल पे एक एक ऐप एप्लीकेशन आता है ट्रांसलेशन करके, तो मैंने वो स्पेनिश इनटू इंग्लिश एक ट्रांसलेशन जो एप्लीकेशन है उसको मैंने अपलोड किया था. सो मुझे पता चलता था कि वो बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में मुझे आदान प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी था. और वहाँ पे अलग अलग राउंड है, एक तो हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने बोलिविया पूरा घुमाया, वहाँ की अलग अलग जगह दिखाई, वहाँ पे हम लोगों के टास्क थे, फोटोशूट्स थे. उसमें जो बहुत से टास्क थे उसमें पहले था जो 12 कंट्रीज़ के जूरीज थे उनके सामने आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना था. इंट्रोडक्शन में आप कैसे हो, आपको आप फैमिली से कितने अटैच हो, हाउ योर करियर ओरिएंटेड, दोनों में आपको बैलेंस कैसे करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, आपको सोशल मैसेज किस तरह से देना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. इसके साथ साथ वहाँ पे टैलेंट राउंड रहता है, टैलेंट राउंड में आपको एक सोशल मैसेज देना रहता है. मैंने जो थीसिस लिखा था वो वुमन एम्पावरमेंट के उसके ऊपर था, और मेरा जो टैलेंट राउंड था वो मेरा एक फ्यूजन डांस था, जो माइकल जैक्सन एंड अपना इंडियन जो है ताल उसको मैंने मिक्स किया हुआ था, और माइकल जैक्सन के जो वेस्टर्न सॉन्ग है उसके ऊपर मैंने इंडियन क्लासिकल किया था, एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था वो. उसके साथ साथ जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स है उसमें मैंने लहंगा चोली और उसके ऊपर जो हम लोग फेटा डालते हैं वो डाल के मैंने हमारा जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था. और बहुत से राउंड है, उसके साथ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड था, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के साथ में वहाँ पे गाउन राउंड था. तो ये सब जो राउंड्स थे, ये राउंड कंप्लीट करते करते अदर कंटेस्टेंट को भी हम लोगों को मार्क देनी है. यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी रहती है कि आप जब भी वहाँ पे जाते हो तो फ्रॉम डे मॉर्निंग 7 से आपको रात को 1 बजे तक टास्क रहते हैं, तो ये आपको टास्क कंप्लीट करने हैं. ये टास्क में आपको तरोताज़ा रहना है, यू शुड बी फ्रेश, यू शुड बी वेल मेकअप, वेल ड्रेस, और आपको रिप्रेजेंट करना रहता है. दिन में 5-5, 6-6 बार आपको कपड़े चेंज करने रहते हैं. वहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री था, बहुत ठंडी थी, उसमें आपको शॉर्ट ड्रेस डाल के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डाल के आपको शूट करना है. तो ये देखने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इट्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क. कहीं डर महसूस हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? सच बात कहूँ तो डर ऐसे नहीं था, एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत पेजेंट जीते हुए थे. और मैंने जब भी मेरे लड़के से बच्चे से बात की थी तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे जो है यू नो इज़ अ लैटिन कल्चर है, और वहाँ पे ऑल लेडीज़ दे आर सेमी न्यूड, तो उसमें मैं जीत पाऊँगी कि नहीं जीत पाऊँगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर एंड अदर पीपल दे आर सेइंग ओनली द मिसेस इंडिया शी इज़ वेयरिंग द फुल ड्रेस. क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसे नहीं होता है. दो आई एम वेयरिंग द यू नो शॉर्ट पैंट्स और लाइक हॉट बम्स, फिर भी वो उनके हिसाब से मैंने बहुत कपड़े डाले, ऐसे हो जाता था. तो वो बहुत कम कपड़े डालते थे. तो मेरे लड़के ने मुझे खाली इतना ही कहा, मॉम आप जीतो तो भी आई लव यू सो मच, और आप नहीं जीतो तो भी आई लव यू इज बॉटम फ्रॉम माई हार्ट. तो मेरे दिल में यही था, तो मेरे दिल में ऐसे कुछ डर ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ी एक्साइटमेंट थी. और मैंने भगवान को प्रे तो किया था कि मैंने इस ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत मेहनत की हुई है, मेरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, परफेक्शन दिया हुआ है, तो मैं जीत जाऊँ तो आई विल बी हैप्पी. और मैं जीत गई, इट वाज लाइक यू नो इज द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ. आफ्टर जीतने के बाद तब क्या हुआ? देखिए मैंने जो जब ये कंपटीशन स्टार्ट किया और मैं जब ये सब कंपटीशन जीतने लगी, तो मैंने मेरा एक एसएस एसोसिएट्स मेरी कंपनी है, तो मैंने पेजेंट्री चालू की हुई है. तो मैंने यहाँ पे इंडिया में नेशनल लेवल पे मेरे हमारे पेजेंट्स हैं वो रहते हैं, इसमें अप्सरा के मिसेस इंडिया एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, अप्सरा महाराष्ट्र, ऐसे मेरे 3 पेजेंट जो ईयरली होते हैं. तो इवन मैं इंडिया के जो लेडीज़ हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक जो स्त्री है उसके अंदर एक क्वीन छुपी हुई है. कहीं ना कहीं बचपन से हर एक औरत में एक सपना रहता है कि मैं भी बहुत से खूबसूरत सुंदर सुंदर कपड़े डाल के रैंप के ऊपर रैंप वॉक करूँ, मेरे भी सर पे कोई ताज हो, फिर वो ताज छोटा मोटा क्यों ना हो. इवन बहुत सी औरतें, इवन आपके छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ रहती है उसमें भी कॉम्पिटिशन्स होती है, तो लेडीज़ दे आर एक्साइटेड कि छोटा सा क्यों ना हो मेरे सर पे ताज हो.
तो वो एक सपना जो है वो पूरा करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन से. दो यू आर ए यू नो वर्किंग लेडीज और यू आर ए हाउस वाइफ, आई विल नॉट से द हाउस वाइफ, यू आर ए होम मेकर. क्योंकि हाउस वाइफ कोई घर में बैठने वाले लेडीज नहीं रहती है, वो घर बनाती है. तो इफ़ यू आर ए होम मेकर या यू आर ए लाइक यू नो वर्किंग लेडी, तो आप सभी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस इज़ द बेस्ट यू नो एक्सपीरियंस फॉर यू. इसमें अलग अलग टास्क रहते हैं, इसमें हम आपको ग्रूम कर देते हैं, इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपको कोरियोग्राफी सिखाते हैं और अलग अलग टास्क में इवन सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी है. तो इसमें आपको हम लोग पूरे जो गाउन्स है, ड्रेस है, सब प्रोवाइड करते हैं, मेकअप प्रोवाइड करते हैं. एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द चांस यू कैन वॉक ऑन रैम यू नो. और आपका जो एक बचपन का सपना है कि मेरे भी सर पे ताज हो, तो ये सपना आप पूरा कर सकते हो. अभी जो मेरा हमारा जो एसएस एसोसिएट अप्सरा का मिस एंड मिसेस इंडिया जो कंपटीशन आ रहा है, ये 9 जैन को आ रहा है और ये नोवाटल होटल में जुहू में मुंबई में आ रहा है. अगर आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9987049899.